दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में 70 करोड़ लोग डेली 100 रुपए से भी कम कमाते हैं। अगर आप 10,000 रुपए महीने से ज्यादा कमाते हैं तो आप देश के 50% लोगों से ज्यादा कमाते हैं। अगर आप 25,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं तो आप देश के 90% काम करने वालों से ज्यादा कमाते हैं, यानी आप देश के टॉप 10% इनकम वाले ग्रुप में हैं। और अगर आप 1,50,000 रुपए महीने से ज्यादा कमाते हैं तो आप देश के 99% नौकरी करने वालों से ज्यादा कमाते हैं, आप टॉप 1% इनकम ग्रुप में हैं। और देश के सिर्फ 22 अमीर लोगों के पास इस देश के 70 करोड़ लोगों की टोटल संपत्ति, टोटल वेल्थ से भी ज्यादा जायदाद है। देश की आबादी करीब 140 करोड़ के आसपास है, तो जाहिर है कि आधी आबादी की टोटल संपत्ति भी जोड़ डालिए तो भी ये 22 लोग भारी पड़ेंगे, इनकी संपत्ति ज्यादा निकलेगी। इसे कहते हैं आर्थिक असमानता, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। अमीरी और गरीबी के बीच खाई, अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने टाइटल दिया कि इस मामले में ब्रिटिश राज से भी घटिया है मोदी राज, और क्यों है वही आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं। दोस्तों, अभी मार्च में रिलीज हुई इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि भारत के सबसे अमीर 1% लोग देश की टोटल इनकम के 22.6% और टोटल वेल्थ के 40.1% के मालिक हैं। इनइक्वालिटी रिपोर्ट कहती है कि भारत में अमीरी और गरीबी के बीच खाई 1980 के बाद ज्यादा तेजी से बढ़ने शुरू हुई, जो आज तक जारी है। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद थोड़ी ठीक हुई थी और 1990 से 2022 तक नेशनल इनकम में 3.6% के एवरेज से बढ़ोतरी हुई, लेकिन इससे भी ज्यादा तेजी से भारत के सबसे अमीर टॉप 1% और सबसे गरीब बॉटम 50% के बीच इनकम और वेल्थ का अंतर कम होने के बजाय बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते आज ये हाल है कि हमारे देश में ब्रिटिश राज के दौर से भी ज्यादा इनइक्वालिटी है। इतनी असमानता अंग्रेजों के वक्त भी नहीं थी। यही नहीं, और तरीके से भी मोदी सरकार ने इस देश की जनता को बेवकूफ बनाया है। इस वीडियो में 4 टॉपिक्स के जरिए हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पिछले 10 साल में इस देश का बंटाधार किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की। गरीबी और अमीरे के बीच किस तरह से खाई बढ़ती जा रही है, ये तो हम सभी ने देख ही लिया। इससे पहले बीजेपी के 2019 वाले मैनिफेस्टो में उन्होंने इंडिया को 2025 तक $5 ट्रिलियन GDP बनाने का वादा किया था, लेकिन अगर हम GDP ग्रोथ रेट का चार्ट देखें तो एक तो सामने आता है कि 2014 से 2016 तक भारत की GDP ग्रोथ हुई थी 8.2% के रेट से। अगर हम इसी तरह से ग्रो करते रहते तो शायद अभी तक हम $5 ट्रिलियन GDP बनने के कगार पर होते, बन जाते। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, देश मंदी से निकल रहा था, महंगाई कम हो रही थी, लेकिन तभी हमारे धुरंधर प्रधानमंत्री ने एक रात ही फैसला ले डाला। 500 और 1,000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। डिमोनेटाइजेशन की वजह से साल 2017-18 में भारत की GDP ग्रोथ 2% नीचे गई थी, और डिमोनेटाइजेशन के चलते 15 करोड़ से भी ज्यादा दिहाड़ी पर काम करने वालों की नौकरी चली गई। इंडियन इकॉनमी 1.5% कॉन्ट्रैक्ट हुई, जो कम से कम 2.25 लाख करोड़ का प्रोडक्शन ना होने के बराबर है। और तो और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी 5 मिलियन लोगों को फायर किया गया। जी हाँ, हर साल 2 करोड़ नौकरियां भूल जाइए, 50 लाख कम जरूर कर डाली थी साहब ने। इससे भी दिल नहीं भरा तो इन्होंने GST भी लगा दी, जिसकी वजह से अगले 8 क्वार्टर्स तक इंडिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया था। मोदी जी के 10 सालों का अगर हम एवरेज GDP ग्रोथ रेट निकालें तो वो है 5.4%, जबकि मनमोहन सिंह के टाइम में एवरेज GDP ग्रोथ रेट हुआ करता था 8.1%। क्लियरली UPA गवर्नमेंट की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस NDA से बेहतर थी। इसका अंदाजा सिर्फ आप नंबर से नहीं बल्कि इससे लगाइए कि जब मोदी PM बने तो देश की कुल GDP थी $2 ट्रिलियन, आज 2024 में ये $4 ट्रिलियन है, जबकि मनमोहन सिंह जब PM बने थे तो GDP $700 बिलियन थी। उन्होंने अपना दूसरा टर्म एंड करते हुए GDP न सिर्फ डबल की थी बल्कि ट्रिपल कर दी थी। मोदी सरकार के पहले टर्म में एक्सपोर्ट कुछ खास ग्रो नहीं हुआ, स्टेबल ही रहा, लेकिन कोविड के बाद से हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, अभी एक्सपोर्ट भी वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और पिछले 1 साल में इसमें कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। और तो और हम अभी ट्रेड डिफिसिट वाली सिचुएशन में है। ट्रेड डिफिसिट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब एक देश एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता हो, इसका मतलब है कि वो दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर है, ज्यादा डिपेंडेंट है।
और हम अभी भी डेफिसिट वाली सिचुएशन में ही हैं, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा हमारे इम्पोर्ट्स हैं, यानी जितना पैसा देश में आ रहा है उससे ज़्यादा बाहर जा रहा है। हालांकि एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन देश पर कर्ज उससे भी तेज़ी से बढ़ रहा है। 55 लाख करोड़ से बढ़कर 200 लाख करोड़ हो गया है, यानी जितना कर्ज भारत के 13 PMs ने 65 साल में लिया था, उसका 4 गुना कर्ज मोदी सरकार ने अपने कंधों पर 10 साल में ही ले लिया है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इस कर्ज को लेने का एक दूसरा साइड इफेक्ट और भी खतरनाक है। अगर सरकार इसी तरह कर्ज लेती रही तो उसे कर्ज लौटाने के लिए नए नोट्स छापने पड़ेंगे, जिससे करेंसी डिवैल्यू होगी, क्रेडिट मनी में इंक्रीज आएगा और लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी, जिससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। डॉलर के सामने हमने देखा ही एक रुपया कमजोर होता जा रहा है, लेकिन निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि रुपया थोड़ी कमजोर हुआ है, वो तो डॉलर मजबूत हो गया। लेकिन समझ नहीं आता कि जब देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है तो अमीरों के कर्जों को माफ करने का क्या तुक बनता है। कर्ज माफी से जी नहीं भरा तो बड़ी कंपनियों से जो कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाता था 30%, वो कम करके 22% कर दिया और न्यू कॉर्पोरेशंस के लिए 15% कर दिया। चलिए न्यू कॉर्पोरेशंस से 15% टैक्स लेना सही है, लेकिन जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं और लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमा रही हैं उनसे 22% लेना, ये कैसा डिसीजन है? इससे सिर्फ सरकार का लॉस होगा, लेकिन भारत सरकार का नुकसान हो तो हो। पीछे से तो पार्टी फंड में पैसा आ ही रहा था, पार्टी मजबूत रहे देश चाहे भाड़ में। खैर आगे बढ़ते हैं। 2013-14 के समय एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ फार्मर इन इंडिया थी 8,025 रुपए के आसपास। बीजेपी ने वादा किया था कि 2022 तक हर किसान की प्रति माह इनकम होगी 22,610 रुपए के आसपास पर महीना, महंगाई को जोड़कर। लेकिन एनएसओ का लेटेस्ट सर्वे कहता है कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम सिर्फ 10,218 रुपए पर महीने है। इससे साफ है कि किसान की आय डबल नहीं हुई है, बल्कि अगर महंगाई को देखें तो वो कमज़ोर ही हुए हैं। सबको घर देने और 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा भी किया ही था और लोगों को नौकरियां मिली भी हैं, लेकिन सिर्फ 9 लाख लोगों को, वो भी पूरे 9 साल में। लेकिन कमाल तो ये है कि मोदी काल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.6 से ग्रो होकर 8.7 हो गया। 23% ऑफ द टोटल यूथ पॉपुलेशन इज नाउ अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। महंगाई का हाल आप लोग जानते ही हैं। नीति आयोग की माने तो 10 साल में 24 करोड़ लोगों को पावर्टी से बाहर निकाला गया है और अब 10% पॉपुलेशन ही बिलो द पावर्टी लाइन रह रही है। लेकिन मोदी सरकार की सबसे खास स्कीम तो है गरीब कल्याण अन्न योजना। इसका लाभ ले रहे हैं 80 करोड़ लोग, जिस बात का सबूत है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। जो लोग राशन की दुकान में लाइन में लग करके 10-5 किलो गेहूँ चावल हर महीने लेते हों, उन्हें गरीब न कहना तो बहुत ही घटिया स्टेटमेंट होगा। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बिल्कुल पुअर रही है। अब बात कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। बीते 10 सालों में देश में कई प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, कई कानून तो ऐसे भी बनाए गए जो संविधान के खिलाफ हैं, कई सारे रेप हुए और इन रेपिस्टों को बचाने की भी कोशिश की है बीजेपी सरकार ने, क्योंकि उनमें से कई सारे बीजेपी के नेता भी थे। कई सारे कानून बहुत विवादास्पद बनाए गए, जैसे कि UAP और CNRC। इसी तरह किसानों के लिए कानून बनाए गए जो पूरी तरह किसान विरोधी थे। इन कानूनों को लेकर तमाम लोग सड़कों पर उतरे, कई सारे दंगे हुए, देश दुनिया में भारत की छवि का नुकसान हुआ, लोगों की जान माल का भी नुकसान हुआ। यूनिवर्सिटी तक में पुलिस ने घुसकर छात्रों की पिटाई की, देश के कई इलाकों में इंटरनेट बैन किया गया, इसके चलते हमारे देश की बदनामी हुई। पत्रकारों को जेल भेजा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, पत्रकारों को ट्रोल करना, उनके खिलाफ कैंपेन चलाना, ये देश में बहुत कॉमन हो गया। MPs को सस्पेंड किया गया, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया। पूरी दुनिया मानने लगी है कि भारत डिक्टेटरशिप की राह पर चल पड़ा है। नफरत फैलाने वाली द केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल जैसी मूवीज को एनकरेज किया गया, उनका प्रचार किया गया कई जगहों पर, तो टैक्स फ्री भी किया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर तो छोड़ दीजिए, साहब ने तो संविधान को भी खूंटी पर टांग दिया है। अब बात करते हैं देश दुनिया में कितना नाम किया है मोदी जी ने। इंडिया के सभी पड़ोसी पाकिस्तान को छोड़ करके, सभी नेबर्स इंडिया को छोड़कर चाइना के प्रभाव में आ रहे हैं। 2020 के गलवान वैली पर क्लैश के बाद से चाइना और भारत के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट इस तड़क भड़क में 20 इंडियंस और 4 चाइनीज सोल्जर्स की जान चली गई थी, लेकिन ये लड़ाई यहीं रुकी नहीं। 2023 में चाइना ने अपना न्यू मैप जारी किया था, जिसमें उसने अक्सर चीन को यूनिफाइड चाइना का पार्ट बताया है। उसके बाद भारत सरकार ने बहुत आपत्ति की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। कभी लद्दाख तो कभी अरुणाचल इलाके में चीनी घुसपैठ करते हैं, सड़क बनाते हैं, और मोदी सरकार डिनायल में रहती है कि कोई हमारे यहाँ घुसा ही नहीं है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका भी चाइना के साथ डील साइन कर रहे हैं। भूटान ने भी अभी हाल ही में चाइना से हाथ मिला लिया है। तो कहीं ना कहीं हम अपने नेबर्स को खोते जा रहे हैं, और अगर
यही हाल रहा तो हम चारों तरफ से चाइना से घिर जाएंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में गलत साबित हो सकता है, क्योंकि चाइना की एक पुरानी आदत है कि वो जहां कहीं भी जाता है उसे अपना समझना शुरू कर देता है, अपने हिसाब से चलाने लगता है। दोस्तों, मुद्दे तो और भी कई सारे हैं, लेकिन एक मुद्दा जो मेरे दिल के बेहद करीब है वो है एनवायरनमेंट। क्या आप जानते हैं कि हमारा देश डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल काटने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है? इतना ही नहीं, हमारे देश में 2012 से 2021 के बीच 11,000 लोगों की मौत हीट वेव से हुई है, लू लगने से हुई है। हीट वेव के इस मुद्दे पर डिटेल में एक वीडियो जल्द आने वाला है। इसके अलावा जब दुनिया भर के देशों ने 2050 तक अपने देशों को कार्बन एमिशन फ्री बनाने का लक्ष्य रखा तो मोदी जी ने 2070 तक देश को कार्बन एमिशन फ्री बनाने का वादा किया था COP26 में, जबकि हमारे देश में हर साल 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। 1901 से लेकर 2018 के बीच हमारे देश के तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत कंसर्निंग है। देश के बड़े शहरों में तेजी से पानी खत्म हो रहा है, हवा, पानी, मिट्टी, हर जगह पोल्यूशन बढ़ रहा है, और अब तो हमारी सब्जियों में भी माइक्रोप्लास्टिक आ चुका है और हमारे शरीर में जा रहा है। मगर इन मुद्दों पर हमारे नेताओं को बोलते हुए, बहस करते हुए आप नहीं सुनेंगे। दिन रात हिंदू मुसलमान करेंगे, लेकिन कभी भी ढंग के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, एनवायरमेंट के मुद्दे पर भी मोदी सरकार बुरी तरह फेल रही है, देश की जनता को निराश किया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मुसलमान मंगलसूत्र वाले बयानों को सुनकर नहीं, ऐसे बयानों को सुनकर वोट दें जो आपकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। न जाति में बटें, न धर्म में। अगर आपके यहाँ ऐसा कोई कैंडिडेट है जो पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, साफ सुथरी छवि का है, तो भले ही कोई भी पार्टी उसके पीछे ना हो, लेकिन आप उसे ही वोट दीजिए, उसे ही जिताइए, वही आपके काम आएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।